गाइस एक टाइम था जब जैगुआर को ओन करना हर किसी का ड्रीम होता था। इनफैक्ट लोग इसे स्टेटस सिंबल की तरह देखते थे। बट अब लास्ट कुछ इयर्स में ऐसा क्या हुआ कि जिस जैगुआर ने इतना फेम कमाया अब उसी जैगुआर की सेल के पीछे टाटा मोटर्स को एक अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। गाइस सन 2008 में टाटा मोटर्स जैगुआर को फोर्ड से खरीदती है, जिसके बाद जैगुआर ने 2010 में 40 सालों में पहली बार प्रॉफिट कमाया और फिर टाटा ने जैगुआर एंड लैंड रोवर को मर्ज कर दिया और इसका नाम दिया जीएलआर लिमिटेड। गाइस जीएलआर लिमिटेड 2018 तक काफी अच्छा परफॉर्म करती है और 2018 में 6 लाख यूनिट्स का सेल भी करती है। बट अकॉर्डिंग टू फिगर्स जेएलआर की 75% से भी ज्यादा सेल लैंड रोवर की थी और जैगुआर की 25% से भी कम। और ऐसा इसलिए भी था बिकॉज अब कस्टमर एसयूवीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं बाय करना इंस्टेड ऑफ सिडान। और जैगुआर के लिए सबसे मुश्किल फेस तब आया जब चाइना, जो कि सिडान कार्स की एक बड़ी मार्केट है, वहां जैगुआर की कार्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई और फिर जेएलआर के हेडक्वार्टर के सामने चाइनीज कस्टमर्स ने प्रोटेस्ट भी स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद जैगुआर की सेल्स एंड रेपुटेशन दोनों पे बैड इंपैक्ट पड़ा।